हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। इसके लिए थैंक यू बोलना तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिन में वो इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस करने वाले हो ना, इसकी कीमत मतलब कभी नहीं चुका पाओगे। जो अभी फ्री में मिल रहा है, कल के डेट में ये हज़ारों में नहीं लाखों में मिलना स्टार्ट हो सकता है। तो जब तक फ्री है तब तक मैं आपको बोलूँगा एडवांटेज ले लो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, वक्त बदलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, गिरा तो आज के डेट में भी है, ठीक है, 1.1% गिरा हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 6 महीने से भी ये देखिएगा तो नॉर्मल है, पिछले एक सालों से बात कर लेते हैं तो भाई गिरा हुआ है, या पिछले ऑल टाइम हाई से देख लेते हैं तो ये स्टॉक कितना परसेंट नीचे से ऊपर तक, तो बहुत ज़्यादा 40 या 50 समझ लो, 50%, तो देख लीजिए 48.6%। और ये जो स्टॉक है 48.6% गिर चुका है, कहानी ख़त्म समझो। अब जो है कहानी ऊपर की ओर बढ़ने वाली है, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। बॉटम समझ के खरीद लोगे तो अमीर बन जाओगे, और नहीं तो वहाँ जहाँ हो वहाँ का वहाँ ही रह जाओगे। जो चीज़ कल तक 1500 रुपये में मिलता था, आज वो स्टॉक 950 रुपये मिल रहा है तो भी तकलीफ है। कल यही चीज़ आप 2000 में खरीदोगे, यही चीज़, क्योंकि गरीब लोगों को महंगा खरीदने का आदत है। या तो अपना सोच बदल लीजिए, या तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर कंपनी का नाम सोच लीजिए और देख लीजिए, दोनों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। इतना सस्ता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कल तक यही स्टॉक देखेंगे तो एकदम भागता जा रहा था 300-400%, तो लोग बाप रे बाप, सब लोग खरीदे जा रहे थे, सब लोग, अजीब है भाई। और आज 50% सस्ता मिल रहा तो लोग इसी चीज़ को लात मार रहे हैं, बताओ, अजीब है। मतलब भलाई का ज़माना नहीं है। कंपनी ने मतलब 50% सस्ता दिया है लोगों को, मौका दिया, लेकिन लोग मौका नहीं समझ रहे। कभी कभी देखो क्या होता ना कि मौके का फ़ायदा उठाना और मौका को समझना बहुत फ़र्क होता है। मौके का फ़ायदा उठाना भाई उठा सकते हैं, फ़ायदा ही होता है, लेकिन मौका को समझना भी तो है। अगर आपने गलत मौका का फ़ायदा उठा दिया तो, और मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ कंपनी खुद ही बोल रही है, हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर देख सकते हो टेक्नोलॉजी बता रही है। डबल इन्वेस्टमेंट इन AI, किसके अंदर, तो AI में ही अपना जो है डबल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो भी 2 सालों के अंदर, 24 मंथ, 2 सालों के अंदर। और ये स्टॉक 50% आज के डेट में डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2 सालों में कहाँ चला जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, कंपनी जिस तरीके से अपने प्लानिंग के बारे में बता रही है वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड ने 111 करोड़ में एक कंपनी को अक्वायर किया, यहाँ पर खरीदा है। और ये अशोक सुटा जी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये कंपनी है चला रहे हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ना, इसमें ये अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई AI वाला स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो अमाउंट है ना, ये रिफ्यूज़ किया जा रहा है डिस्क्लोज करने से, मतलब अभी नहीं बताया जा रहा। देखिए कब बताएंगे, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक से छुपाया जाता है, लेकिन ये आपका काम होता है एस्टिमेट करना, एक तरीके से एज्यूम करना कि कितना क्या हो सकता है। ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करेगी। इनको अगर 2-4 पार्टनर अगर अच्छे मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, इस तरीके का 3-4 पार्टनर अगर कंपनी को मिल जाए ना तो कंपनी मतलब सक्सेसफुल हो जाएगी। आर सिस्टम की तरह जो है कंपनी भयानक भागेगी। बताया जा रहा है ये जो AI होने वाला है ये आईफोन मूवमेंट की तरह होने वाला है। टुडे AI इज़ लाइक आईफोन मूवमेंट। तो आईफोन जिस तरीके से आया था तो पता नहीं था कि मतलब भाई किस सेक्टर में जा सकता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, इनको मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कहाँ कितना, मतलब रिटेल में, बैंकिंग में, या किसी भी सेक्टर को आप ले सकते हैं कि नहीं, तो वहाँ पता नहीं था। लेकिन आज के डेट में ये बताया, उसी तरीके से बताया जा रहा है कि AI इज़ ए सच्चे पावरफुल, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होने वाला है, मतलब ओरिजेंटल बहुत ज़्यादा पावरफुल ये टेक्नोलॉजी होने वाला है फ्यूचर के लिए। तो मैं बोलूँगा कि आपको समझना है लॉन्ग टर्म के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको खरीद के बैठ जाना है, पहले कंपनी के बारे में समझना है ताकि कल के डेट में कुछ होता भी है तो क्या उस चीज़ के लिए आप रेडी हो। कल के डेट में किसी तरीके से टर्बुलेंस आता है, बाकी आप कंपनी के बारे में फंडामेंटल जानकारी भी रखो ताकि कल के डेट में कुछ हो तो आपको समझ में आए। कंपनी 14,000 करोड़ की है, और कंपनी मान लीजिए जिस तरीके से गिरा हुआ है तो भाई ये 20,000 करोड़ की कंपनी जो है डिजर्व करने जा रही थी, और इसका बुक वैल्यू केवल अभी 56 का है। इस हिसाब से कंपनी थोड़ा महंगा है, और ये डिविडेंड थोड़ा बहुत डिविडेंड निकाल के देता है, चलो ठीक है उतना, लेकिन फिर भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं तो भाई 27.4% और 28.9%, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है कंपनी को, इतना ज़्यादा शायद ही होता। फिर भी प्रमोटर्स के पास 53% है, जिनमें से अगर देखते हैं तो 7% प्लेज है, और यहाँ पर 0.01% इन्होंने प्रमोटर्स ने माल बेचा है। 543 करोड़ का डेट आपको देखने को मिला। बैलेंस शीट में रिजर्व अगर देखते हैं तो भाई 800 करोड़ का रिजर्व है, और इस बार कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही कर्जा उठाया है मार्केट से, कुछ ज़्यादा ही डेट लिया। पहले इनके पास 250 या मतलब 100-200 ऐसे कुछ करोड़ का डेट था, पहले एक बार डेट फ्री भी थी कंपनी, और आज देखिए 500 करोड़ का डेट है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखते हैं
फॉरेन इन्वेस्टर्स ने माल बेचा है और स्टॉक गिरा भी है, बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी माल बेचा है, स्टॉक गिरा भी है, तो पब्लिक ने भी, प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा माल बेचा है और बाकी पब्लिक के पास है। तो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कंपनी को और लॉन्ग टर्म के बारे में आपको देखना चाहिए।